बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। तो माशाल्लाह आज हमने व्लॉग ना 4 बजे स्टार्ट कर दिया। आज मैंने कहा जल्दी व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जल्दी हंड रोटी करते हैं, ताकि हमारा व्लॉग भी जल्दी कम्प्लीट हो जाए और हमारी हंड रोटी भी जल्दी हो जाए। अभी ना 4 बजे और शहजाद को ना थोड़ी थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा आप बना दें चाय। चाय से ये है कि गुजारा हो जाएगा, कोई चीज़ तो साथ है नहीं। वैसे अगर बिस्कुट होते नहीं केक वगैरह तो बहुत मज़ा करनी थी, लेकिन बाइक भी नहीं है हमारे पास और शॉप भी यहाँ से काफ़ी दूर है। और शहजाद साहब पैदल चलने से बहुत ज़्यादा क्रेज करते हैं, नहीं चलते हैं, मतलब पैदल कहते हैं कि पाँव जो है ना वो मेरे दर्द करते हैं। तो मैंने कहा चलो चाय से गुजारा करते हैं, और इसलिए मैंने हंड रोटी भी जल्दी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा भूख ज़्यादा लगी है तो जल्दी हंड रोटी कर लेते हैं। मैं आज बना रही हूँ आज करेले, और करेले जो है ना भरवे करेले, जो कि साबुत करेले जो मसाले से भर के बनाते हैं। और मैं कोशिश करूँगी आप कि आप लोगों को ना पूरी रेसिपी दिखाऊं, क्योंकि मेरी बहनें जो है ना वो फिर कमेंट करके कहती हैं कि आप रेसिपी फुल दिखाया करें, आपकी रेसिपी जो है ना बहुत मज़े की होती है। तो आज के व्लॉग में ना इंशाल्लाह करेलों की पूरी रेसिपी, जितना भी मतलब ये है कि प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाती मैं, जो मेरे पास चीज़ अवेलेबल होती है फिर उसी से बिल्कुल सादा तरीके से बना लेती हूँ। तो जी मैंने इनको ना छील लिया, मतलब इतने ज़्यादा मैंने इसके छिलके नहीं उतारे, ऊपर से मोटा मोटा सिर्फ जो है ना मैंने छीला है। और भी लगाते हैं कट। हाँ जी, ज़्यादा गहरा नहीं लगाना कि छुरी इस साइड दूसरी साइड से ना निकले ऐसे। ये जो बीज है ना ये हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसमें फिर हमने मसाला भरना है, इसलिए इसको खाली कर देंगे। वैसे भी पक्का है ये, चले अब सारा जो है ना खाली हो गया है। करेले जो है ना सारे मैंने काट लिए दरमियान से, ये देखेंगे अब बिल्कुल खाली हो गए। अभी इसके ऊपर ना लगाते हैं हल्दी। हल्दी के बाद भी नमक, तकरीबन आप हल्दी और नमक को ना 1 घंटा तक लगा रहने दें, और इसकी सारी कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह से लगा दें इसे ऐसे। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं किसी पे कोई बात ना कहूँ, किसी को कोई बात ना कहूँ, जो भी कहते हैं ना, क्योंकि इससे बहुत जो है मेरे बहन भाई चाहने वाले जो हर्ट होते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बात करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों के ऐसे माइंड जो है ना वो क्लियर नहीं होते अगर हम कोई बात क्लियर ना करें। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी हर्ट हो, इसलिए ये होता है कि मैं ना ही कुछ कहूँ, लेकिन फिर भी ऐसा कमेंट आ जाता है कि मुझे बात करनी पड़ती है। गर्मी जो है ना, गर्मी आज फिर बहुत ज़्यादा, यकीन माने आज सारा दिन इतनी ज़्यादा गर्मी रही है ना कि बिल्कुल भी सुकून नहीं था। सारा दिन पंखा लगाते हैं जी, सबसे पहले
सुकून का सांस लेते हैं। उसके बाद जी करेलों के मैंने नमक और हल्दी लगा, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा मसाला वगैरह तैयार करने तक हो जाएगा पूरा घंटा, और फिर कड़वाहट भी सारी ख़त्म हो जाएगी और मसाला भी तैयार हो जाएगा तब तक। जब गर्मी से बुरा हाल होता है और पसीना आया हुआ होता है ना, तो तब इस पंखे की हवा भी बहुत ठंडी लगती है और बहुत जो है ना सुकून मिलता है इस हवा से। और पंखा जो है ना बिल्कुल नहीं टिक रहा, उधर उधर हुए जा रहा है। रात को नहीं सोए थे? क्या करते रहे रात को? जा सोए थे? तो फिर अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे नींद आ रही। तो अभी अब्दुल हादी को चीज़ लेकर दी, दिखाओ चीज़ क्या ली। कोकोमो ली और ये है जी केक, और अब्दुल्ला को भी एक कोकोमो लेकर दी और एक केक लेकर दिया। और यहाँ पे बेगम साहब ने मुझे कहा था जी ले के आए गरम मसाला जो है ना वो ख़त्म हो गया था। और ये जी गरम मसाला देखे, इसके अंदर बस तेज पत्ते डाले हुए हैं और कुछ भी नहीं। देखे जीरा बहुत कम है, अलग जिस जरूरत है ना वही नहीं डाली, वही नहीं डाली होती। मैंने एक रियो बिस्कुट लिया जी 30 रुपये वाला, मेरे लिए ये आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने कभी आप खा लेंगे, मैंने खा लिया की बात है। और 3 अंडे लेके आऊँ ताकि हमें सुबह ना जाना पड़े, नाश्ता जो फिर बच्चों को अंडों से करवा देंगे। आग मैंने चला ली है और ऊपर कढ़ाई मैंने रख दी है। घी में थोड़ी सी डालेंगे जी, साबुत जीरा, एक चम्मच साथ इससे डाल देंगे जी प्याज। प्याज हमने मैंने बारीक बारीक कट किए हैं, अभी इन दोनों चीजों को मैं अच्छी तरह से भून लेंगे। इन दोनों चीज़ों को ना तकरीबन मैंने भून लिया है। ये देखो कलर चेंज हो चुका है। अभी इसमें है जी लाल मिर्च है, हल्दी है, ये खुश्क धनिया है पिसी हुई, और उसके बाद जी साबुत जीरा है पिसा हुआ, नमक काजू को इकट्ठा डाल देते हैं इसमें। करेलों को ना मैंने अच्छी तरह से धो दिया और ये खुश्क भी हो चुके हैं। निचोड़ भी इस तरह से लिया था और यहाँ पे माशाल्लाह मसाला जो है ना इतना ज़बरदस्त तैयार हो गया, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे जी नलकी मैंने रख ली है क्योंकि धागे से बांधने हैं ताकि मसाला जो है ना वो बाहर ना निकले। अभी जो है ना इस एक एक करके भरते हैं। मसाला जो है ना थोड़ा गर्म है, अगर ठंडे होने का वेट करेंगे फिर काफ़ी लेट हो जाएगी, तो चमचे की मदद से ना बांध लेते हैं। खाली मैंने किए थे ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है ना इसमें जज़ब हो जाए। अभी जो है ना अभी धागे की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर जो है ना इसे धागे से बांध देंगे, ज़्यादा धागा नहीं लगाना, बस इतना ही काफ़ी है ताकि करेलों का मुंह ना खुले। अभी शहजाद साहब को कहते हैं कि मेरे साथ हेल्प करें क्योंकि करेले काफ़ी हैं और भरने में भी ना टाइम लग जाएगा।
हाँ जी माशाल्लाह करेला की है ना हमारा तैयार हो गई है और घी भी है ना मैंने इसमें से निकाल दिया, जितना इसको जरूरत का था सिर्फ इतना ही मैंने इसमें रखा है, इस तरह घी भी हमारा ज़ाया नहीं होगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ इधर भी मतलब आपकी रेसिपी कंप्लीट हो गई है, आप ऐसे भी खा सकते हैं रोटी के साथ, लेकिन मैं जी इसमें थोड़ा सा मसाला जो है ना ये प्याज है और इसमें जो है लाल टमाटर बिस्मिल्लाह रखा गया है। लेकिन अभी ये है कि थोड़े ये ग्रेवी टाइप बन जाएंगे और मसाला भी इसका बन जाएगा और धागे जो है ना इसके अभी आप उतार भी सकते हैं क्योंकि अभी ये फ्राई हो चुके हैं। और ये देखिए कुछ का मैंने उतार दिया था जैसा कि ये है, देखिए अभी इसमें मसाला बाहर नहीं जाएगा, अभी इसको दम लगाते हैं और भून लेते हैं ये आटा। आटा गूंदने के बाद मैं जी अब तंदूर चला रही हूँ और व्लॉग हमने कब स्टार्ट किया 4 बजे इतनी मैंने कोशिश की कि जल्दी काम हो जाए, लेकिन आज की रेसिपी जो है ना ये भी ज़्यादा टफ थी क्योंकि एक एक चीज़ जो है ना मुझे अलग से तैयार करनी पड़ी और वैसे भी एक होना इसलिए सारे काम जो है ना फिर वो करने पड़ते हैं, एक एक होता है और एक दो 11 होते हैं, अगर दो औरतें होना तो फिर चलिए है कि एक एक काम जो है ना दो हिस्सों में काम आ जाते हैं, झाड़ू बर्तन पानी भरना, फिर पानी भी इतनी दूर से भर के लाना पड़ता है, कभी कभी पानी का सीन दिखाते हैं, कभी मेरी बहनें वहाँ बैठी होती हैं तो इसलिए जो है ना फिर हम नहीं दिखा पाते, तो फिर भी वही टाइम हो गया जो पहले वाला होता है हमेशा वो वाला। तंदूर जो है ना जलाते हैं, लेकिन ये है कि शाम जो है ना वो अभी हुई है। हाथ मुंह पे फेरो, मुंह पे फेरो जैसे भाई कर रहा करो, ये ड्रामे कर रहे हो, ये दुआ मांग रहे हो, दुआ मांग रहे हो, ड्रामे कर रहे हो, चल आमीन कर दो, आमीन करो, माशाल्लाह जो भी मांगा है अल्लाह कबूल करेगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखिए कितने मजे के बने पड़े करेले। हां जी धागे उतार देते हैं क्योंकि बच्चों ने खाने हैं, कुछ मैंने पहले उतार दिए थे और माशाल्लाह जी लुक आप लोगों के सामने है, माशाल्लाह इतने मज़े के गल गए हैं ना यकीन माने, ये देखिए ज़बरदस्त इतने नरम, ये देखिए आज मैंने ना इन पे मेहनत भी काफ़ी की है, तो कहते हैं जी किसी भी चीज़ पे अगर आप मेहनत करेंगे ना तो वो कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी, भले वो कोई भी काम हो या फिर हाँ जी भले वो रेसिपी क्यों ना, ख़ास तौर पर अगर आप रेसिपी बनाने में मेहनत करेंगे ना तो आपकी मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगी। और खाना बनाते वक्त ना यानी सालन बनाते वक्त आप लाजमी दुरूद शरीफ पढ़ा करें, देख लीजिएगा कितना जायका जो है ना वो दुबाला हो जाता है रेसिपी में। तो ये देखें जी ये है जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जितना ऐसे ना जैसे कुछ करेले, करेले के साथ जी यहाँ पे हमारी हैं तंदूर की रोटियाँ,
और तंदूर की रोटियां और करेले, यकीन माने क्या बात, क्या बात है माशाल्लाह। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्दुल्ला जो है ना ये टेस्ट करेंगे। हाँ जी, कैसा बना सालन? सालन कैसा बना? इतना मज़ेदार बना है। थैंक यू। रोज़ की तरह अब्दुल हादी का वही ड्रामा, अभी सही बैठे हुए थे लेकिन एक मिनट के अंदर जो है ना मूड ख़राब हो गया है। कमेंट भी आते ये पापा पे गया, ये मामा पे नहीं, ये हम दोनों पे इसकी ज़िद नहीं गई, क्योंकि ना कभी मैंने इतनी ज़िद की है और ना ही शहजाद साहब ने कभी ज़िद की। पता नहीं ये नानको पे गया या फिर दादको पे गया, कोई पता नहीं। अभी अब्दुल हादी का नवाला हम खिलाएंगे अब्दुल्ला को। ये बड़ा मोहम्मद शरीफ है तो छुपा रुस्तम, लेकिन माशाल्लाह जो है ना बड़ी जल्दी मेरी बात मान जाता है। व्लॉग एंड करते हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी मैंने आपसे अब्दुल हादी बात नहीं करनी, चलो अल्लाह हाफिज़ करो। अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।